दोस्तों आज पूरे 8 महीने बाद मैं आया हूँ यहाँ पर EDM गाज़ियाबाद मॉल में एक मूवी देखने, और मूवी का नाम है टीनेट, जिसे डायरेक्ट किया है या स्टोरी टेलर भी वही है क्रिस्टोफर नोलन। आपने इनका नाम काफ़ी बार सुना होगा, हमेशा सरप्राइजिंग फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। द डार्क नाइट राइजेस मूवी को कौन नहीं जानता, बैटमैन की इतनी फेमस फिल्म है, थ्रिलर सस्पेंस के सबसे बड़े मास्टर कहा जाता है क्रिस्टोफर नोलन को, और आप लोगों ने इनकी इंसेप्शन तो ज़रूर देखी होगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस फिल्म में मतलब जो मैंने देखी है फिल्म, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि फिल्म में भी बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। ये फ्री स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन बस आप एक बात याद रखना, जितना भी आज तक आपने कुछ भी देखा, मतलब इंसेप्शन देखी हो, शटर आइलैंड देखी हो, प्रेस्टीज देखी हो, या प्री डेस्टिनेशन देखी हो, मतलब कोई भी फिल्म ऐसी देखी हो जिसने आपका दिमाग घुमा कर रख दिया, ये फिल्म उन सब पर भारी पड़ने वाली है। मतलब मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, जब मैं थिएटर में आया, एंटर किया मैंने, मुझे लगा कि यार चलो फिल्म में एक सस्पेंस तो हो गई, थोड़ा कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कुछ देखने को मिलेगा ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग ही नहीं रहा था। एक टाइम पर तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब समझ से बाहर, मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे ऊपर से निकल रही थी, जबकि ये फिल्म मैंने हिंदी में देखी है। और बस आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा, स्पेशली अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में देखना, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसे हिंदी में देखना। ये नॉर्मल फिल्मों की तरह नहीं है, जैसे मैं भी बहुत सारी फिल्में इंग्लिश में देख लेता हूँ, और लेकिन मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो इसलिए मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस फिल्म को देखो तो हिंदी में देखना, और थिएटर में ही आकर देखोगे तो तभी फिल्म ज़्यादा समझ आ पाएगी। आजकल क्या है कि आपको पता है कि टोरेंट वगैरह के थ्रू भी डाउनलोड हो जाती हैं फिल्में, लेकिन शायद आप लोगों को उतना मज़ा ना दे। लेकिन जब भी इस फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट आए तब भी अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो हेडफोन या हैंड फ्री के थ्रू देखना, एक एक डायलॉग सुनना बहुत मस्त है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको फर्स्ट टाइम में तो यार बहुत ही मुश्किल से समझ आएगी, क्योंकि मैं तो खुद इसे जब ये मतलब आ जाएगी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर तो मैं दोबारा से ज़रूर देखूंगा इस फिल्म को। जहाँ तक है मेरी रेटिंग का सवाल, तो यार ऐसी फिल्म को रेटिंग देने के लिए हम कैपेबल ही नहीं मानते अपने आप को, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ है। अच्छी बात मुझे फिल्म की एक और लगी कि इसमें एक इंडियन कैरेक्टर भी दिखाया गया है जिन्हें प्ले किया है डिम्पल कपाड़िया ने, और फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है उसका नाम होता है प्रिया। तो वो भी मतलब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमें मतलब कोई भी इंडियन स्टार को लेकर अगर हॉलीवुड फिल्मों में उनका मतलब कैमियो किया जाता है तो वो बहुत छोटा सा रोल होता है, लेकिन यहाँ पर उनका अच्छा खासा रोल था, और एक तरह से मैं कहूँ तो मेन रोल था। वो रोल क्या था वो तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो थ्रिलर सस्पेंस वाला मसाला ढूंढते रहते हैं किसी वेब सीरीज़ में, किसी फिल्म में। तो भाई ये फिल्म तो मतलब नेक्स्ट लेवल की फिल्म है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में इसकी मतलब स्टोरी के लिए, इसकी डायरेक्शन के लिए, या इस फिल्म की एक्टिंग के लिए, जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम मुझे पता नहीं है, तो वो ऑस्कर विनिंग मतलब फिल्म बन जाए ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये फिल्म मास्टरपीस है। जैसे आप लोगों को जोकर अपने आप में एक एक्टिंग के लिए पसंद आई होगी, तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली स्टोरी और डायरेक्शन के लिए पसंद आएगी। और फिल्म का जो एक्शन है वो इतना अलग है, इतना यूनिक है, जो आपने आज तक किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्मों में नहीं देखा होगा। तो बस आप एक बार फिल्म देखो। फिल्म का जो कंसेप्ट है वह है टाइम ट्रैवल के ऊपर, लेकिन टाइम ट्रैवल से भी बड़ी बात यह है कि टाइम रिवर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको फिल्म में पता चलेंगी। मैं यहाँ कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा बस आप लोगों को, तो आप समझ सकते हैं यार अभी भी मेरे दिमाग में सीन घूम रहे हैं, तो इसलिए टंग स्लिप भी हो रहा है। तो बस आप लोग जाकर देखो, अगर देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी बढ़िया रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।